आज हम देखेंगे भुना चना घर में हम कैसे बनाएंगे। इसे हम हमेशा मार्केट से खरीद के लाते हैं, जबकि इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। स्पेशली ये सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को देखते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया है। यहाँ पे हमारे पास है 1 कप चना। जो मार्केट में मिलती है वो नॉर्मल वाली चना है। इसमें हम क्या करेंगे, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, आप क्वांटिटी के हिसाब से डालें, और इसे मिक्स करेंगे। इसमें 1 चम्मच के करीब पानी भी ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और सभी को अच्छे से मिक्स करके हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। आइए तब तक कढ़ाई में डालेंगे नमक। इसे मैंने पहले भी बहुत बार यूज किया है, इसलिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। तो नमक को हमें अच्छी तरह गर्म कर लेना है। इसका जो मोटा वाला दाना सब है उसे हम निकाल देंगे और इसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे। फ्लेम को आप लो टू मीडियम रखें। अब थोड़ा थोड़ा करके हम चना डालेंगे। और इसे चलाते रहेंगे। आप देखेंगे कि 1 मिनट में ये फटना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और ये बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। तो आप इसे एक प्लेट में निकाल लें। आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है। तो आइए मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। और इसे हम स्टोर करके 1 महीने के लिए भी रख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप भी इस आसान से रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।